नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IS Prep पर। बहुत दिन से इंतज़ार हो रहा था लोअर सबॉर्डिनेट प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस का, और आज ये सिलेबस आ गया। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर, ये ओरिजिनल सिलेबस है। ये नोटिफिकेशन आवश्यक सूचना करके जारी किया गया है। कई बार अफवाहों में भी सिलेबस मार्केट में फैल चुका है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस लगभग वैसा ही है जो पहले इधर उधर सर्कुलेट हुआ था। वही लगभग, क्या वही सिलेबस ही है। उसको जिन लोगों ने सही माना होगा तो उन्होंने गलत नहीं किया, अच्छा ही रहा होगा, उन्होंने तैयारी की होगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें चार भाग इन्होंने किए हैं। इसमें 2 घंटे का इन्होंने पेपर रखा है और टोटल 150 प्रश्न हैं, 300 अंक हैं, 2 घंटे की समय अवधि, चार भाग इसमें हैं, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार। अब इन चारों भागों में जो सिलेबस है और क्वेश्चन की संख्या इन्होंने दे दी है। सामान्य बुद्धि परीक्षण पहला भाग है, इसमें 25 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 50 अंक ये हो गए, प्रश्न सारे 2 ही नंबर के हैं। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछेंगे आपसे, और सामान्य विज्ञान और अंकगणित के 50 प्रश्न हैं, और सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न हैं। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण और गणित, इसमें ये दो पुराने जो लोअर सबॉर्डिनेट के पेपर होते थे जो अपर सब आयोग कराता था, कहने का मतलब UPSC कराता था, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें और इसमें यही चेंजेस है कि वहाँ पर मैथ और रीजनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। 25 तो ये सीधा सामान्य बुद्धि परीक्षण हो गया, और अंकगणित के भी लगभग 20-25 प्रश्न तो रहेंगे ही, 25 तो मान के चलिए, क्योंकि सामान्य विज्ञान और अंकगणित मिला के 50 दिया हुआ है। तो ये मोटा मोटा इनका पेपर का प्रारूप है, और ऋणात्मक अंक की व्यवस्था भी इन्होंने किया है, 1/4 अंक की, यानी 25% की कटौती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो 1/4 हो गया आधा नंबर, यानी कि 1/2 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो यही हुआ 1/4। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका स्कोर बराबर है। खैर, ऐसा नहीं होगा, हम लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो ऐसा क्यों होगा। अब इन्होंने देखिए पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा का जो भाग ऊपर दिया हुआ है उनका अलग अलग विश्लेषण किया है कि क्या पाठ्यक्रम। तो भाग एक सामान्य बुद्धि परीक्षण है, उसको इन्होंने देखिए डिटेल में लिखा है यहाँ पर। सामान्य बुद्धि परीक्षण में ये क्या पूछेंगे, तो युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, ऐसे प्रश्न जिनमें अभ्यर्थी की परिणाम परक अविक्षमता की परख हो सके, और दूसरा है सांख्यिकीय विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम, यानी कि ये सामान्य बुद्धि परीक्षण में रीजनिंग के साथ में स्टेटिक्स के भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछेंगे। सांख्यिकीय, ग्राफिकीय, डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता, ये सारी चीज़ें इसमें पूछेंगे। दूसरा ये है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान ये जो सिलेबस है वो GK का सिलेबस है। तो इसमें पहला इन्होंने टॉपिक दिया है कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ईमेल, ये सब पूछेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। फिर उत्तर प्रदेश विशेष पे जो प्रश्न बनते हैं वो हैं। फिर अंतर वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल, निर्णयन क्षमता और समस्या समाधान। तो जो CSAT 2 का सिलेबस है, CSAT पेपर 2, जो UPSC का CSAT पेपर 2 का सिलेबस होता है, CSAT जिसको आप बोलते हैं, उसका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत योगदान रहेगा। फिर है सामान्य मानव व्यवहार, इसमें ये क्या पूछने वाले हैं इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण, इस पे ये प्रश्न पूछेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। फिर बारी आती है ट्रेडिशनल जो GK होता है, उसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, IAS प्रेप पर ये कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं, ये सिलेबस है। और इसका अगर मटेरियल आप चाहते हैं तो UPSCTarget.com पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बीच में ऐसा कराया है इसलिए बोल दे रहा हूँ, जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं। फिर भारत और विश्व का भूगोल है इसमें, तो इसमें जो भी GK हैं जो सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो पूछेंगे। फिर पॉलिटी, भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, इस पे प्रश्न है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर ये प्रश्न पूछेंगे, लेकिन सारे प्रश्न GK टाइप के, अपेक्षा की जाती है कि फैक्चुअल प्रश्न ज़्यादा इसमें होंगे। और फिर बारी आती है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी कि करेंट अफेयर, इसमें खेल कूद के प्रश्न भी शामिल होंगे, ऐसे ही ये लिखते हैं। और भारतीय कृषि भी आपसे पूछी जाएगी,
तो भारतीय कृषि पर भी ये प्रश्न पूछेंगे। फिर बारी आती है सामान्य विज्ञान और अंकगणित की। तो इसमें सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और सामान्य विज्ञान, वैसे भी विज्ञान इन्होंने लिख दिया है, देखिए यहाँ पे विज्ञान भी लिखा है, विज्ञान के बाद में ये सारी चीज़ें, यानी कि जनरल विज्ञान के प्रश्न और बाकी सब जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, भूगोल भी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी दिन से कर रहे हैं, तो ये पोर्शन जो 100 नंबर का पूरा है ये हम लगभग कवर कर चुके हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर सामान्य हिंदी की एक चीज देखिए, दूसरा पार्ट है प्रारंभिक गणित के बारे में इन्होंने लिखा है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, जो हाई स्कूल के लेवल की होगी ये पूछी जाएगी। तो अर्थमेटिक इसमें पूछते हैं, बहुत कठिन खैर नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके तब जाइएगा। फिर सामान्य हिंदी की बात आती है, इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण और उनसे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उनका उपयुक्त शीर्षक, ये सब प्रश्न ये पूछेंगे यहाँ पर। फिर अपठित उर्दू गद्यांश का संक्षेपण अथवा इसमें लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ये पूछेंगे। तो ये जो सिलेबस है पूरा प्रारंभिक परीक्षा का है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और यहाँ पढ़ने से लग रहा है कि ये पूरा मेंस वाला सिलेबस है, ठीक है ना, लेकिन उससे गद्यांश से बेस्ट प्रश्न बनाए जाते हैं, वही है। शासकीय और शासकीय व्यक्ति तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण संबंधित कार्यालय आदेश, ये सब। फिर वर्ण एवं ध्वनि संबंधी विचार, शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द के प्रकारों पर प्रश्न ये बनाएंगे, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अवयव, ये सब भी इसमें पूछा जाएगा। यहीं पर ये सिलेबस समाप्त होता है, नहीं समाप्त नहीं होता है, आगे भी है, हिंदी का सिलेबस तो लंबा चौड़ा होता ही है, ठीक है। तो फिर आगे इसमें और देखिए, है समाप्त नहीं है ये, सॉरी, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियाँ, वाक्य रचना प्रकार, विराम चिन्ह, मुहावरे, अनुवाद, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, और हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, और हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान या उर्दू भाषा का, इस तरीके से इन्होंने ये दिया है। तो ये सारी चीज़ें, ये उर्दू का ये कह रहे हैं, केवल सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर जिला सूचना अधिकारी के पद के लिए ऐसा ये करेंगे। और फिर ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस हम बाद में देखेंगे, अभी इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। इसमें भी इन्होंने वही 4 भाग किए हैं और इसको मुख्य परीक्षा के तहत पूछेंगे। इसमें 1 घंटा 30 मिनट का एक पेपर बनाएंगे और 1 घंटा 30 मिनट का एक पेपर बनाएंगे और 200 200 नंबर कर देंगे, 100 100 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे, ये 100 क्वेश्चन मेंस में, एक पहले पेपर में, 100 एक इसमें, और 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, और 200 अंक और 200 अंक, टोटल 400 अंक, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। जीके का पोर्शन हम लोगों ने यहाँ कवर किया है, उसको कर लीजिए, करंट अफेयर भी हम आगे देखो कर लेंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि उपरोक्त परीक्षा हेतु परीक्षा योजना में, इसमें भी निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। फिर ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वही दे रहे हैं, वैसी ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसमें भी कुछ बहुत अलग नहीं है, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी चीज़ें वैसे ही रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा समाप्त हो रहा है। और मुख्य परीक्षा में देखो ये कह रहे हैं, कठिनाई प्रश्नों का कठिनाई स्तर उच्च होगा, इतना इन्होंने लगा दिया है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो हमने सिलेबस देखा उसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये 4 पोर्शन हैं और 4 पोर्शन पे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान 50, और सामान्य विज्ञान और अंकगणित मिला के 50, यानी कि 75 क्वेश्चन, 50 ये सामान्य ज्ञान के, और विज्ञान को भी सामान्य ज्ञान में अगर हम जोड़ें तो ये 75 क्वेश्चन हम जीके और जीएस जो भी कहते हैं, जीएस करके कर सकते हैं। फिर हिंदी के 25 क्वेश्चन, ये सबके लिए टारगेट हो जाएंगे। फिर बाकी बचे 25 प्रश्न मैथ्स के और 25 25 प्रश्न रीजनिंग के, यहाँ पे भी जिनको कम आता है वो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे, तो रीजनिंग में तो 15 तक कर लेंगे और मैथ्स में भी ऐसे कर लेंगे, तो पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सामग्री आईएएस प्रेप पे है, एक पूरा फोल्डर बना हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का, लोअर सबॉर्डिनेट का करके मैंने बनाया था उसको, तो और पूरा आईएएस प्रेप पे ये पूरा पड़ा हुआ है, और यूपीपीएससी टारगेट डॉट कॉम पे भी प्रारंभिक परीक्षा का एक फोल्डर बना है, लोअर सबॉर्डिनेट के लिए स्पेशली क्लास डिस्कस की गई है, वो मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वेबसाइट पे जाना आपको मुश्किल लगता है अगर, तो ये सब पढ़ लीजिए, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जो पोर्शन आपको आता है, जैसे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान मिलाकर आप और हिंदी ये कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन पे तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इनमें गलत मत होने दीजिए, कम से कम गलत हो। और मैथ रीजनिंग अगर कम आती है तो घबराइए नहीं,
मेरिट कभी 150 में 150 नहीं जाएगी, 300 अंकों में कभी 300 अंक नहीं जाएगी, और 150 प्रश्नों में कभी 150 प्रश्न नहीं जाएगी। एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है? और करते रहिए, जो चीज़ें ज़रूरत होंगी बताइएगा, देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।